हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एच जी वेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन हु डीजनरेटेड हिमसेल्फ इंटू अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी could become transparent and invisible. If he puts on clothes, he lost his invisibility and could be seen by people around him. So that's the introduction about the chapter or story. Let's begin our chapter with complete explanation. Can a man become invisible? Kya koi man invisible ho sakta hai ya ban sakta hai? This is the story of a scientist. एक साइंटिस्ट की स्टोरी है हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और वो डिस्कवर करता है वो साइंटिस्ट कि कैसे किसी को अपने आप को इनविजिबल बना सके। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। वो यूज़ करता है अपनी डिस्कवरी का या मिस यूज़ करता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में आंसर मिलेगा। लेट्स सी। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Imprints mean marks due to pressure, यानी दबाव के कारण निशान पड़ जाना। Started means jumped with surprise, हैरानी हो जाना और jump करना हैरानी में। अब जो दो लड़के थे, two boys थे, वो क्या थे, हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, क्या देख के, जो इन प्रिंट्स को देख के, इन प्रिंट्स वो जो निशान आ गए थे किसके, बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव के जो दो पैरों के निशान आ रहे थे, उनको देख के वो हैरान हो रहे थे टू बॉयज़। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। और ये बेयर फुटेड मैन यानी नंगे पाँव जो व्यक्ति था, मैन था, वो क्या कर रहा था, डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, हाउस की स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे, और कहाँ पे, इन द मिडल ऑफ लंडन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और मैन कहाँ था, यानी उसकी जो बेयर फुटेड जो मार्क्स थे वो दिखाई दे रहे थे और वो मैन दिखाई नहीं दे रहा था। एज दे गेज्ड, गेज्ड मीन्स स्टेयर्ड, घूरना, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल, एक नोटिसेबल साइट दिखाई देती है, दृश्य दिखाई देता है उनकी आंखों को जब वो घूरते हैं, तो उनको एक रिमार्केबल साइट दिखाई देता है या दृश्य दिखाई देता है। ए फ्रेश फूट मार्क अपीयर्ड नोवेयर, और जो फ्रेश फूट मार्क्स थे, पैरों के निशान थे, वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहाँ से ये नहीं पता चल रहा था कहाँ से वो निशान आ रहे थे। फर्दर फूट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, जो फूट प्रिंट्स को वो फॉलो कर रहे थे, एक के बाद एक फूट प्रिंट आ रहा था और वो स्टेप्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, और वो आगे कहाँ बढ़ रहे थे, प्रोग्रेसिंग, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मूव कर रहे थे स्ट्रीट में, गली में। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड At last disappeared altogether. Altogether means totally. Faint. Faint means हो जाए dim or light. अब क्या था, जो boy उनको follow कर रहे थे boys, वो क्या हो रहे थे, उनकी तरफ attract हो रहे थे, foot marks की तरफ attract हो रहे थे, जब तक वो muddy impression हो रहे थे, light नहीं पड़ रहे थे, dim नहीं पड़ रहे थे, और last में, at last, और अंत में क्या हो रहा था, वो foot marks disappear हो जाते पूरी तरह से। The explanation of the mystery was real simple enough. और जो explanation था इस mystery means रहस्य का, वो बिल्कुल ही simple था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Transparent means invisible. और bewildered means confused or puzzled. अब वो जो पजल्ड बॉय थे, हैरान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे बॉय, वो क्या कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को फॉलो करते थे जिसने अभी अभी क्या था, एक मेडिसिन या कुछ डिस्कवर किया था,
जिससे क्या था, ह्यूमन बॉडी क्या बन सकती थी, सकती थी और ट्रांसपेरेंट बन सकती थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज ग्रिफिन, द साइंटिस्ट नेम वॉज ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। क्या कर रहा था जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, किसके कारण, अब ये प्रूव करने के कारण के लिए कि ह्यूमन बॉडी क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। फाइनली सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उसने फाइनली क्या किया, स्वेलोड, स्वेलोड मीन्स निगल लेना, अंदर ले लेना, और सर्टेन, सर्टेन मीन्स कोई फिक्स, और रेयर, रेयर क्या होती है, मुश्किल से मिलने वाली, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन हियर। अब वो मुश्किल से मेडिसिन, नॉट ईजीली मेड या आसानी से ना बनने वाली ऐसी मेडिसिन उसने स्वेलो किया और उसकी बॉडी क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल बन गई, किसकी तरह, अ शीट ऑफ ग्लास की तरह। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास्ट, और क्या था, और वो बॉडी कैसी रही, एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो क्या था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो ना करे या रूल्स को फॉलो ना करे। अब वो क्या था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, रूल्स को फॉलो करने वाला नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स रिमूव। अब क्या था, उनकी लैंडलॉर्ड थी ग्रिफिन की, वो उसको पसंद नहीं करती थी, डिसलाइक करती थी, इसलिए वो वहाँ से अपने घर से उसको रिमूव करना चाहती थी या भेजना चाहती थी। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदला लेने के लिए किया, उसके घर को आग लगा दी या फायर, सेट फायर कर दिया उसको। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब वो बाहर निकलने के लिए, बिना दिखे बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया, अपने क्लोथ्स को रिमूव कर लिया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। अब क्या था, इस तरह से वो क्या बन गया, होमलेस यानी बिना घर के, बेसहारा, वांडरर, वांडरर मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर, रोम हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर घूमने वाला, विदाउट क्लोथ्स, के पास क्लोथ्स से ना मनी थी और वो पूरी तरह से क्वाइट इनविजिबल था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन टू सम मड एंड लेफ्ट फूट प्रिंट एज ही वॉक्ड। और जब तक ऐसा हुआ, जो वो स्टेप्स थे कुछ मड के अंदर गए उसके कदम, और उसने क्या किया, फूट प्रिंट थे पैरों के, जैसे ही वो चलता तो वो पीछे छोड़ देता निशान पैरों के। ही एस्केप्ड इजिली एनफ फॉर द बॉयज हु फॉलोड हिज फूट प्रिंट इन लंडन। और वो आसानी से क्या था, उन बॉयज कर रहे थे, उनसे उसको, अपने आप को उसने बचा लिया लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, नो मी, बाय नो मीन्स मीन्स नॉट येट, लेकिन उसके एडवेंचर्स थे जो अभी वो ख़त्म नहीं हुए थे, ओवर नहीं हुए थे, बॉयज से तो उसने अपने आप को लिया था। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। अब उसने बुरा समय यानी बेड टाइम, ईयर का बेड टाइम चूज़ किया इस चीज़ के लिए, इधर उधर घूमने के लिए लंदन में विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े। इट वॉज मिड विंटर, क्यों, बिकॉज इट वॉज मिड विंटर। अब विंटर, विंटर का मिड था यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब क्या था, एयर क्या थी, बिटरली पूरी तरह से, तरह से क्या थी, कोल्ड थी, ठंडी थी, और वो क्या था, बिना क्लोथ्स के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वॉर्म्थ। वॉर्म्थ मीन्स हीट, या अपने आप को गर्म रखना या हीट, गर्मी। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स डिस्पाइट ऑफ की बजाय,
अब क्या था, वो स्ट्रीट में घूमने की बजाय या वॉक करने की बजाय उसने डिसाइड किया कि वो बिग लंदन जो स्टोर था वहाँ जाएगा, किसके लिए, फॉर वॉर्म और हीट, गर्मी के लिए, क्योंकि ठंड थी। इट वॉज द टाइम ऑफ मिड विंटर। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब क्या था, स्टोर का क्लोजिंग टाइम आ गया था। एंड एज सून एज द डोर वॉज शट, ग्रीफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोजिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स बिना खर्चा किए हुए। अब क्या था, अब क्लोजिंग टाइम आ गया था और जैसे ही डोर्स शट हुए, बंद हुए, तो ग्रीफिन ने क्या किया, अपना इंजॉय करने के लिए क्लोथिंग वहाँ से ली, फीडिंग किया अपने आप को, खाना खाया, और बिना किसी एक्सपेंस के, बिना कोई खर्चे के, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लोथ्स। अब उसने बॉक्स को ओपन किया, रैपर हटाए वहाँ से, कवरिंग्स हटाई और अपने आप को वॉर्म क्लोथ्स में फिट कर लिया विद शूज, और जल्दी उसने शूज के साथ एन ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट एंड ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और उसने वहां से क्या ले लिया, शूज ले लिए, ओवर कोट ले लिया, हैट, वाइड, वाइड मींस ब्रॉड ब्रिम्ड, ब्रिम्ड मींस किनारे तक जो हैट थी, कवर्ड हैट थी, वो उसने ले ली और अपने आप को फुली ड्रेस्ड बना लिया और विजिबल पर्सन बन गया, वो दिखाई देने लगा। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब उसने क्या किया, किचन में, रेस्टोरेंट की किचन में गया, वहाँ उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली, और उसने मीट के साथ साथ फॉलो किया किसको, वाइन भी ले लिया उसने, कहाँ से, ग्रोसरी स्टोर से। ग्रोसरी मीन्स किरियाने की जो स्टोर होती है, शॉप होती है, उसको बोलते हैं। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल, पाइल मीन्स हीप यानी ढेर, क्विल्ट्स मीन्स ब्लैंकेट और जिसको रजाई बोलते हैं हम। फाइनली उसने क्या किया, सोने के लिए एक क्विल्ट थी जो उसका ढेर लगा हुआ था, वहाँ वो सेटल डाउन हो गया, सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been. अगर Griffin manage कर लेता timely उठने के लिए, अच्छा time होता उसके लिए, अगर वो अच्छे time पे उठ जाता तो उसका समय अच्छा रहता, manage कर लेता तो जल्दी उठना। As it was, और ऐसा हुआ, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या था, वो उठ नहीं पाया, कब तक, जब तक असिस्टेंट मीन्स हेल्पर्स, और जब तक वहाँ काम करने वाले थे वो वहाँ सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँच चुके थे, उनसे पहले वो उठ नहीं पाया। व्हेन ही सो अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने दोनों को आते हुए देखा, जो असिस्टेंट थे उनको आते हुए देखा, ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन। पैनिक मीन्स घबरा जाना और गोट अलार्म्ड, एकदम हैरान हो जाना या डर जाना। वो पैनिक हो गया एकदम से और उसने भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, और चेज मीन्स पीछा करना, और स्वाभाविक था अगर कोई स्टोर से भाग रहा है तो उन्होंने उसका पीछा किया। एंड इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और एंड में क्या हुआ, वो कैसे बच पाया, सिर्फ इस तरह से बच पाया कि उसने जल्दी से टेकिंग ऑफ उतार देना, जो उसके न्यूली फाउंड, जो अभी अभी उसे नए कपड़े मिले थे उनको उतार के ही वो बच करके ही बच पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब क्या था, अब दोबारा से वो क्या हो गया था, इनविजिबल हो गया था, ग्रिफिन इनविजिबल हो गया था, बट नेक्ड इन, नेक्ड मीन्स अनकवर्ड। अब वो जैन की ठंड में, कोल्ड एयर जो चल रही थी उसमें क्या था, नेक था, अनकवर्ड था, विदाउट क्लोथ्स था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब क्या था, इस टाइम उसने डिसाइड किया, एक थिएट्रिकल जो कंपनी होती है, थिएटर ड्रामा कंपनी होती है जो,
वहाँ आइटम ढूंढने की कोशिश की, स्टॉक मीन्स आइटम सामान, और इस उम्मीद में कि यहाँ उसको कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने आप को छिपाने के लिए जो एम्प्टी स्पेस खाली जगह थी उसके शोल्डर के ऊपर खाली जगह थी उसको भी कवर करने का कुछ मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवर मीन्स ट्रेम्बल, ठंड से कांपना, ही हरेड टू ड्यूरेरी लेन, ड्यूरेरी लेन इज द नेम ऑफ स्ट्रीट, अब वो उसकी तरफ जल्दी से भागा। द सेंटर ऑफ द थिएटर, यानी थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था उसकी तरफ वो भागा। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, अब उसको जल्दी ही सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया यानी रास्ते पे चला। इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर लेटर वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। अब उसने से उस तरफ चला, उस रोड की तरफ या उस शॉप की तरफ चला और इनविजिबल था, अपस्टेयर गया, वो ऊपर की तरफ गया और जल्दी से वापस आया। क्या पहने हुआ? बैंडेजेस पहनी हुई थी, फोरहेड के को राउंड किया हुआ था उसने बैंडेजेस से, मतलब हुआ था कवर किया हुआ था, और डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, फॉल्स नोज लगाया हुआ था, झूठा नाक लगा रखा था, और बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स होती है मूछें मुड़ी हुई जैसे, और बड़ी बड़ी बुशी साइड विस्कर्स लगाई उसने और एक लार्ज पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब बिना दिखे बच निकलने के लिए, ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कॉलियसली मीन्स विदाउट केयरिंग, बिना परवाह के, अब शॉपकीपर को पीछे से उसने, या बिहाइंड मीन्स पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने क्या किया, उस शॉपकीपर को रॉब कर लिया, लूट लिया, जितना पैसा उसके पास था उसको लूट लिया उसने शॉपकीपर। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन। ईगर मीन्स कीन, उत्सुक होना, अब वो क्राउडेड बाहर निकलना चाहता था इसलिए उसने क्या की, ट्रेन लिया, किस विलेज के लिए, आइपिंग विलेज के लिए, जहाँ उसने टू रूम्स को बुक किया लोकल इन में। इन होता है ठहरने की जगह, सराय बोलते हैं जिसको, होटल टाइप। अब उसने दो रूम किए वहाँ पे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन केस एनी केस एन अनयूजल इवेंट। अराइवल, अराइवल मीन्स रीचिंग, अब एक स्ट्रेंजर का पहुँचना इन में विंटर टाइम में, तो ये कैसा लग रहा था, अनयूजुअल इवेंट लग रहा था, मतलब एक सामान्य इवेंट नहीं लग रहा था, असामान्य इवेंट लग रहा था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपियरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, वेगिंग मीन्स इधर उधर, जैसे टंग हिलना, मूव करना, अपियरेंस होता है आउटर फॉर्म। अब एक स्ट्रेंजर अनकॉमन अपियरेंस के साथ वहाँ से, मतलब सबकी जो टंग थी वो वेग कर रही थी, मूव कर रही थी इधर उधर, उस स्ट्रेंजर को देख के या अनकॉमन अपियरेंस को देख के वो चल पड़ा। मिसेस हॉल, ए लैंडलॉर्ड्स वाइफ, हु वाज मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, अब उसने हर कोई ट्राई किया, एफर्ट किया, प्रयास किया उसके साथ फ्रेंडली होने के लिए, ग्रिफिन के साथ। मिसेज हॉल, मिसेज हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ आइपिंग, आइपिंग्स इन, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, डिज़ायर मीन्स विश, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की और उसे बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, कि मेरा रीज़न है आइपिंग आने के लिए, मैं क्या, मेरी डिज़ायर है, इच्छा है कि मैं अकेला रहूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। बिसाइड्स, बिसाइड इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त क्या है कि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट किया, प्रभावित किया है। ये
ग्रिफिन बताता है कि लॉर्ड की वाइफ थी जो मिसेस हॉल उसको. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स.